सो गाइस बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे जो ये भाई हमारे मिल गए हैं। हम लोग बस सोचे थे कि एक बार ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे बहुत लंबा राइड हो रहा है आज इतना। और जब वीडियो बना रहा था एंड शुभम भैया के साथ, तो मेरा जो है हाथ इतना सारा कांप रहा था, वहाँ पे मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। आई वहाँ पे 29-23 रखा हुआ है, जस्ट मैं वहाँ पे था, वहीं से देख के उसका सेट को देख के यहाँ पे दौड़ता चला आया। सो लुक एट दिस बाइक गाइस, राइडर सब रांची। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अदर ब्लॉग्स। तो गाइस मैं आज थोड़ा खेत उतारा था, तो जस्ट आपको मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। सो लुक एट दिस बाइक गाइस, राइडर सब रांची। यहाँ पे हम लोग को शुभम भैया मिल गए, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज शुभम भैया और उसका बाइक वहाँ पे 29-23 रखा हुआ है, जस्ट मैं वहाँ पे था, वहीं से देख के उसका सेट को देख के यहाँ पे दौड़ता चला आया। गाइस देख सकते हैं, लुक एट दिस बाइक। यही है जो शुभम भैया का बाइक है, इसको मैं देख के एक्साइटेड होके जस्ट बहुत दूर से दौड़ के आया हूँ। एंड लुक एट दिस डोमिनार 400 सीसी वाला जस्ट, एंड सब कोई उधर है। सो गाइस बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे जो ये भाई हमारे मिल गए हैं। हम लोग बस सोचे थे कि एक बार ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे बहुत लंबा राइड हो रहा है आज इतना। और कुछ बोलना चाहोगे? क्या नाम नहीं पता, मेरा नाम मुन्ना है। तो मुन्ना भाई की तरफ से सपोर्ट करो एंड ऐसे तुम्हें ब्लॉग्स बनाते रहो। सो गाइस देखिए यहाँ पे सर, मतलब शुभम भैया बहुत कुछ बोले, जस्ट लुक एट दिस। एंड गाइस चलते हैं अब घर की और हम लोग को भी जाने देते हैं, बिकॉज जो है हम लोग ज्यादा ही रेस्ट कर लिया अभी। तो शुभम भैया जो है फोटो मेरे साथ खींचा लें, एंड अभी मैं जस्ट घर के निकलूंगा। और ये देखिए लुक एट दिस बाइक्स, ऑल बाइक शुभम भैया का, जस्ट डोमिनार। एंड अभी जस्ट हम लोग निकलने वाला है उधर आगे की ओर टाटा साइड, तो जस्ट लुक एट दिस। एंड मैं भी जस्ट निकलता हूँ, हम लोग को ज्यादा झंझट नहीं करता हूँ। A few moments later. Finally guys, मैं घर पहुंच चुका हूँ, एंड आई नेवर थॉट गाइज कि कुछ इस तरह का होने वाला था मेरे साथ। मैं कभी नहीं सोचा था कि कुछ इस तरह का जो होने वाला है, बट जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। एंड गाइज मेरे का तो आने का भी मन नहीं कर रहा था, वहाँ पे जो डोमिनार था आपका, ड्यूक था, एंड BMW भी शायद था, मेरे को उतना याद तो नहीं आता। मेरे को बस ड्यूक 250 अच्छा लगता है, तो मेरे को वही पे मैं थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया और बाकी गाड़ी को मैं नहीं देखा। एंड जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और मेरे को तो इतना सुकून मिल रहा था, मेरे को तो आने का तक मन नहीं कर रहा था। एंड क्या करें यार, उन लोगों को भी देर न करें, इसलिए उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी पहुंचना था। एंड लंबा टूर था उन लोग का, तो जस्ट उन लोग निकल गया। तो और गाइस मैं जब वीडियो बना रहा था एंड शुभम भैया के साथ, तो मेरा जो है हाथ इतना सारा कांप रहा था, वहां पे मेरे को थोड़ा डर लग रहा था थोड़ा बहुत। बट गाइस मैं बहुत ही साहस शरीर को स्तर रखा और जो है वीडियो कंटिन्यू बनाने लगा। एंड आई होप गाइस मीटअप अच्छा लगा शुभम भैया के साथ। तो मेरा प्लीज चैनल पे नहीं हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड लव यू ऑल मेरे सब्सक्राइबर सब। एंड गाइस मैं जहां तक देखता हूँ, मेरा जो वीडियो में डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, जो रिस्पॉन्स रहता है वो ज्यादातर मोटो ब्लॉग रहता है या गाड़ी वाड़ी दिखाने से जो है ज्यादा रिस्पॉन्स आप सभी देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो है मैं ज्यादा बाइक वगैरह का ही वीडियो अपलोड किया करूंगा। एंड थैंक यू गाइस, लव यू